हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल सो आज का वीडियो है एम इमेज बेस्ड एम सी क्यूज विच वी आर ऑलरेडी डूइंग अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सो फर्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोज द अंडरलाइन मेडिकल डिसऑर्डर बाई ई सी जी चेंज इन फोटोग्राफ आपको ई का इमेज दिया है और पूछा गया पूछा है कि इसमें क्या मेडिकल डिसऑर्डर यू विल डायग्नोज सो ऑप्शनस हैं साइनस टेकिका साइनस एरिदिमिया बी एट्रियल फ्लटर सी एट्रियल फेब्रुलेशन डी ए वी ब्लॉक एट्रियम वेंट्रिकुलर ब्लॉक सो यहाँ पे जो राइट आंसर है दिस इज बी एट्रियल फ्लटर एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फेब्रुलेशन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है सेम सेम से लगते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है कि वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन इन एट्रियल फिब्रिलेशन द एट्रिया बीट्स इरेगुलरली इन एट्रियल फ्लटर द एट्रिया बीट्स रेगुलरली सो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें एट्रियम इरेगुलरली बीट्स करते हैं और जो एट्रिया फ्लटर है उसमें बीट्स रेगुलर रहती है बट फास्टर देन यूजल एंड मोर ओफन देन वेंट्रिकुलर लेकिन वेंट्रिकल्स का कोऑर्डिनेशन में नहीं रहता है नॉर्मली एट्रिया और वेंट्रिकुलर का कोऑर्डिनेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन का लेकिन एट्रियल फ्लटर में दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है लेकिन एट्रिया की बीट्स रेगुलर रहती है और फिब्रिलेशन में एट्रिया की बीट्स चेंज हो जाती है इरेगुलर हो जाती है सो so, ये जो इमेज आपको दिख रहा है दिस इज़ द इमेज ऑफ एट्रियम फ्लटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायग्नोस्ट द अंडरलाइन मेडिकल डिसऑर्डर बाई ई सी जी चेंज इन फोटोग्राफ दिस इज ऑल्सो इमेज ऑफ ई सी जी और पूछा है कि वाट इज़ दिस मेडिकल डिसऑर्डर ऑप्शन है इसमें ए साइनस अरेदिमिया बी एट्रीएल फ्लट्टर सी एट्री एल फेब्रुलेशन एंड डी एवी ब्लॉक सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एट्रियल फ्ल्टर एंड एटीएल फेब्रुलेशन वट वॉज द डिफरेंस एक बार दोबारा देख सकते हैं एटीए फेब्रुलेशन में ए ट्रीआर इरेगुलरली बीट्स करते हैं सो so, यहाँ पे जो राइट right आंसर है दिस इज़ एट्रियल ट्री एट्रियम का जो बीट्स है वो इरेगुलर होता है एंड uh, नीचे भी एक इमेज है नॉर्मल ई का ऐसे दिखेगा एंड अगर एट्रियल ट्री हो रहा है तो ये वाला पी के ओ आर ये जो बिल्कुल अलग अलग बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा आप इसको देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ई सी जी टाइप शोन द फोटोग्राफ दिस इज़ ऑल्सो य क्वेश्चन ऑफ ई सी जी इसने पूछा है कि व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ ई सी जी सो ऑप्शन ए पी मिटेरियल बी साइनस टेकीकाडिया सी एट्रियल एक्टोपिक डी पी एस वी टी सो राइट आंसर इज बी साइनस टेकीकार्डिया साइनस टेकिकार्डिया इज ए इज ए रेगुलर कार्डिक रिदम इन विच द हार्ट बीट्स फास्टर देन नॉर्मल कार्डिक रिदम नॉर्मल होता है लेकिन हार्ट की जो बीटिंग है दैट इज़ फास्टर देन नॉर्मल सो दिस इज द कंडीशन ऑफ साइनस टेकिकार्डिया नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयोटिक कंडीशन एज शोन इन द फोटोग्राफ इसमें पूछा है आयोटा की ऐसी कंडीशन कौन सी डिजीज में हो जाता है दिस इज लुकिंग दिस इज नॉर्मल आयोटा दिस इज इट्स लुक लाइक वेरी एन्यिज्म लाइक बहुत ही अजीब सा दिख रहा है सो so, पूछा है कि वाई दिस आक सो ऑप्शंस आर इडियोपैथिक इडियोपैथिक मतलब कोई रीज़न नहीं है बी ट्रोमा सी अथिरोसक्लोरोसिस डी आर्टेरियोसक्लोरेसिस सो राइट आंसर इज़ अथिरोसिस अगर अथिरोसक्लोरोसिस क्या होता है यहाँ पे इंटरनल आर्टरी इंटरनल एट्रिया में फैट fat और फैटी टिश्यू वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है जिस जिस दिस कॉल्ड अथिरोस्लोरोसिस और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्पेस कम हो जाता है सो दिस इज़ द कंडीशन ड्यू टू आर अथिरोसक्लोरोसिस नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर प्रोसीजर शोन इन द फोटोग्राफ अगर ये वाला प्रोसीजर करना है तो पूछा है कि वट इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस कॉन्ट किस कंडीशन में ये जो लीवर परफ्यूजन हम कर रहे हैं परफ्यूज़न किया जा रहा है वो किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए ऑप्शनस ए विल्सन डिजीज बी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस सी हेमनजियोमा डी क्रोनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी सो हेयर इज़ राइट आंसर इज हेमनजियोमा सी हेमनजियोमा ये होता है दिस इज़ इेगुलर वस्कुलर ग्रोथ जो ब्लड uh, वेसल्स होती हैं वहाँ पे इरेगुलर ग्रोथ हो जाती है हाईली वस्कुलर एरिया हो जाता है वहाँ पे सो दिस इज नॉर्मली इन इन्फेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है सो दिस इज द कंडीशन ऑफ हेमेन अगर पेशेंट को हेमेन है तो ये वाला प्रोसीजर इंडिकेटेड होता है ये वाला प्रोसीजर नहीं करना चाहिए नेक्स्ट प्राइमरी सर्वे शोन इन फोटोग्राफ इज़ यूज फॉर आपको ये ऑप्शंस दिए हैं सर्वे ऑप्शंस पूछा है कि ये फोटोग्राफ कहाँ यूज होता है ऑप्शन ए एनस्थिजिया केयर बी ट्रोमा केयर सी इम्यूनाइजेशन केयर डी पोस्ट ऑपरेटिव केयर सो हेयर राइट आंसर इज इम्यूनाइजेशन केयर सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन फोटोग्राफ यूज ड्यूरिंग सर्जरी आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिया है पूछा है वट इज़ दिस यूज कब यूज़ होता है इसका सो दिस इज़ द ब्लेड ट्वेंटी वन या ट्वेंटी थ्री का ब्लेड है ये ट्वेंटी वन का ही है मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था ओ टी वाला तो उसमें आप देख सकते हैं दिस इज़ नंबर ट्वेंटी वन तो पूछा है कि ये ब्लेड कब कहाँ पे यूज़ होता है ऑप्शंस दिए हैं ए स्कैल्पल ब्लेड बी स्ट्राइल माइक्रो स्कैल्पल सी माइक्रो सर्जिकल नाइफ डी डिस्पोजल मिनी स्कैल्पल सो ऑल ऑप्शंस आर स्कैल्पल रिलेटेड लेकिन जो राइट ऑप्शन इज ए दिस इज स्कैल्पल ब्लेड नेक्स्ट क्वेश्चन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शोन इन फोटोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट आपको शोन किया है पूछा है कि व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट दिस इज आल्सो फ्रॉम आर वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं ऑप्शन है डी बेकरी फॉरसेप बी गैलिस फॉरसेप डी एडसन फॉरसेप एंड डी स्पेंसर वेल फोरसेप सो राइट आंसर इज एडसन फॉरसेप नॉर्मली ऐसे थम फोरसेप बोल देते हैं लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम होता है एडसन फोरसेप नॉर्मली ये ज्यादातर ई एन टी एंड आई सर्जरी में यूज होता है एडसन फोरसेप नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक्शन शोन इन फोटोग्राफ दिस ट्रैक्शन आपको शोन किया है और पूछा है कि वट इज दिस टाइप ए हेलमिटन रसल ट्रैक्शन बी गैलोज्रैक्शन सी बक्स ट्रैक्शन डी बैलेंस स्कैलटन ट्रैक्शन सो राइट आंसर इज गैलोस ट्रैक्शन गैलोज्रैक्शन अगर फीमर फ्रैक्चर है तो ये वाला एक्सटेंड करके ट्रैक्शन लगा देते हैं और जो बटक एरिया है दिस इज़ अनसपोर्टेड बिल्कुल अनसपोर्ट रखता है ये वाला एरिया ऐसे बिल्कुल अनटच होता है बेड के सो दिस इज गैलोस ट्रैक्शन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक्शन शोन इन द फोटोग्राफ दिस इज ऑल्सो ट्रैक्शन और पूछा है कि वाट इज दिस ऑप्शन दिए गए हैं ए हेलमिल्टन रसल ट्रैक्शन बी गैलोस ट्रैक्शन सी बक्स ट्रैक्शन डी बैलेंस कैल्टन ट्रैक्शन सो दिस इज द ऑप्शन राइट आंसर इज ए हेमिल्टन रसल ट्रैक्शन नेक्स्ट वट इज द इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिया है पूछा कि वाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन यूरेट्रल डायलेटर बी ट्रेकिियल डायलेटर सी एनोरिज्म निडल डी यूरेथ्रल डायलेटर सो राइट आंसर इज बी ट्रेकियल डायलेटर ट्रेकियल डायलेटर है ये इमेज नेक्स्ट वट इज दिस इंस्ट्रूमेंट दिस इज ऑप्शन एनोरिज्म नीडल बी वायरस नीडल सी ट्रेंस कट बाइपी नीडल एंड डी कॉबुलर निडल राइट आंसर इज एनोरिज्म निडल एनोरिज्म निडल है ये वैस्कुलर और जब वैसल्स की सर्जरीज होती हैं उसमें यूज होता है ये वायरस निडल नहीं है वो भी है ऑलरेडी डिस्कस वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वगैरह में यूज़ होती है बाइपसी निडल भी नहीं है एंड कॉबुलर निडल भी नहीं है दिस इज द एनोरिज्म निडल नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई दिस फॉन्सेप्ट ए आलिस बी बैबकॉक सी डी बाटे डी बाकी डी कोकर सो राइट आंसर इज़ बैबकॉक बैबकॉक है इसका यहाँ से आप पहचान कर सकते हैं ऐसे होता है इसका बिल्कुल ऐसे दोनों हाथ जैसे हम ऐसे करते हैं फिस्ट बनाने के टाइप में तो ऐसे होता है दिस इज़ अ बैबकॉक आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट डिवाइस शोन इन फोटोग्राफ ऑप्शन ए रिजर्वा बैग बी फेस मास्क सी एल एम एंड डी इज एम्बो बैग दिस इज़ वेरी कॉमन एवरीबडी शुड नो अबाउट दिस डी राइट आंसर इज एम्बो बैग सॉरी दिस इज अडल्ट एम्बो बैग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा टाइप का एम्बो बैग है दिस इज अडल्ट एम्बो बैग है पीडियाट्रिक और न्यूनेट एम्बो बैग के कलर अलग होते हैं शेप भी अलग होती है कई बार सो दिस इज अडल्ट एम्बो बैग अडल्ट का इसमें ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट इज बेस्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंडीशन शोन इन फोटोग्राफ ऑप्शन एल ए बी पी बी प्रेशर डी री थेरेपी थेरापी एंड डी थ्रोमोलाइसिस सो ए हाइपोवेलेमिया रिलेटेड ई है तो इसमें जो ऑप्शंस हैं सी रीपरफ्यूजन थेरेपी इज़ द राइट आंसर क्योंकि इसका जो पी क्यू आर एस क्यू आर एस ये वाला बिल्कुल अन मतलब इट्स रिलेटेड अन चेंज बिल्कुल अलग ही लग रहा है दिस इज़ हाइपोवेलेमिया रिलेटेड ई सी जी इसमें रीपरफ्यूजन थेरेपी देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए कोकर फॉरसेप बी बैपकोक फोरसेप सी एलिस फोरसेप डी रशियन टिश्यू फॉरसेप सो so, दिस इज ऑप्शन ए इज़ राइट right आंसर कोकर फॉरसेप कोकर फोरसेप स्टेट आर्टरी की तरीके से लगता है और यहाँ पे इसमें हुक होते हैं एक दूसरे में लोक हो जाते हैं ये सो दिस इज कोकर फॉरसेप नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट ए इज़ कैलिज रिट्रैक्टर बी रिचार्जन रिट्रैक्टर सी डेविस्ड रिट्रैक्टर एंड डी हारिगनटन रिट्रैक्टर सो राइट आंसर इज ए कैलिज रिट्रैक्टर ये भी हमने ओटे इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा हुआ है नेक्स्ट द गिवन इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज फोर ये पूछा है कि जो ऑस्ट दिस इज इंस्ट्रूमेंट कब यूज़ होता है सो दिस इज कोकर स्टेट आर्ट्री मैंने बताया था कोकर आगे जाके लोक हो जाता है दिस इज कोकर और ये ऑप्शन हैं आपके पास ए इज डी एंड सी बी वेजानल हिस्ट्रेटमी सी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबाव सो सी इज़ द राइट आंसर डी एन ई एंड क्यूरिटीज डायलेशन एंड क्यूरिटीज में यूज़ होता है एंड वेजानल हिस्ट्रेटमी में भी यूज़ होता है दोनों गानी रिलेटेड प्रोसीजर हैं और दोनों में ये, ये यूज होता है नेक्स्ट गिवन इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपोजर विजुअलाइजेशन ऑफ सो ये पता चल रहा है कि दिस इज प्रोक्टोस्कोप और ऑप्शंस क्या है आपके पास ए वेजाइना बी यूट्रस सी वैराक्टम एंड डी इज़ नन ऑफ द अबाव पूछा है कि ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ किस ऑर्गन के लिए यूज़ होता है सो so दिस इज़ प्रोक्टोस्कोप एंड यूज़ फॉर रैक्टम विजुअलाइजेशन

इज़ कॉमनली यूज टू होल्ड दिस इज़ द इमेज ऑफ एलिस और इसमें पूछा है कि कहाँ कब यूज़ होता है सो ऑप्शन टॉन्सिल्स बी ओवरी सी यूटेटर्स डी अपेंडिक्स सो ओवरी यूरेटर एंड अपेंडिक्स ये बहुत ही डेलीकेट स्ट्रक्चर होते हैं इनको एलिस वाट्सएप से होल्ड नहीं कर सकते सो so, जो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टॉन्सिल्स होल्ड करने के लिए यूज होता है इन दिस क्वेश्चन क्योंकि ओवरी यूटर्स एंड अपेंडिक्स आर वेरी डेलिकेट एंड वेरी स्मॉल इन साइज उनके लिए जो अलग होते हैं इंस्ट्रूमेंट वो यूज होते हैं टॉन्सिल्स के लिए एलिस फोर्सअप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट नो नेक्स्ट सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही इन नेक्स्ट वीडियो इम्पोर्टेंट आई एम सी क्यू स्टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू